हम लोग भी काफी जगह चूरू सीकर फतेहपुर जयपुर ही वहाँ पे बड़े जो हॉस्पिटल है जयपुर का इस ये अपना कौन सा हॉस्पिटल राजधानी हॉस्पिटल मोनिली का मतलब कई लोगों को कई डॉक्टरों को हमने इनके इसके ट्रीटमेंट के बारे में काफी हमने संघर्ष किया। अल्टीमेटली हमारे इधर से कोई पेशेंट ट्रीटमेंट करके गया हुआ था तो उसकी फीडबैक मिली हमें कि आपके यहाँ पे कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छी सेवा मिलेगी। हम लोग कल आए और कल आने के बाद में डॉक्टर साहब ने विद इन हाफ आवर्स में इनका ऑपरेशन कर दिया और एकदम ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि कोई ऑपरेशन हुआ भी है क्या। और मैं तो धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को, मतलब ये खाली ओनली डॉक्टर्स की तो मेहनत है ही है बट बाकी पूरा स्टाफ हम लोग रात को स्टे किए हमारी इच्छा से क्योंकि हमें 7-8 घंटे का रनर था यहाँ से जाने के लिए बाई रोड आए कि भी एक थोड़ा रेस्ट कर लेंगे थोड़ा इसकी स्थिति भी जान लेंगे कि भी उनको फिर भी अगर किसी वजह से अपनी कमी की वजह से जो डॉक्टर ने करना है वो तो कर दिया उसके बाद जो डॉक्टर प्रिकॉशन देते हैं वो प्रिकॉशन को शेयर अपने को ही करना है अपने को सेंस क्या है थोड़ी सफाई हो जो ध्यान रखेंगे तो ये 100% होने वाला नहीं है। ऐसा जानकारी आप पहले भी कहीं से मिली है लेकिन यहाँ लोगों के जो और ऑपरेशन करवा के गए हैं मैं मिला हूँ कई लोगों से जो 2010 से 2011 में 2013 में जो ऑपरेशन करवा के यहाँ गए हैं वो अपने रिलेटिव या अपने सर्कल फ्रेंड सर्कल को लेके आए उनकी भी हमने फीडबैक देती बहुत बढ़िया सपोर्ट है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों से यही है कि आप यहाँ इलाज करवा के आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो कहीं दूसरी जगह भी ट्रीटमेंट कीजिए ताकि क्या डॉक्टर्स को भी गर्व हो। मेरा इनसे यहाँ से कोई वो वास्ता नहीं था कोई हमारी जानकारी नहीं थी जब यहाँ हम आए तब हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक नई जगह जा रहे हैं और पंजाब जा रहे हैं लेकिन हमारे कोई रिलेटिव लुधियाना से पता किया था कि भी यहाँ पे ऐसी ऐसी फैसिलिटी है तो उसके बारे में डॉक्टर्स और कैसा क्या है तो उन्होंने कहा कि कोई रिजल्ट नहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं है आप जाइए निशंको चौके आइए कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होगी और प्रॉपर इलाज होगा। दूसरी बात एक्सपेंसिव साइड में अपन देखते हैं यहाँ डॉक्टर्स की जो फीस या जो भी एक्सपेंसिज है मैं तो कहता हूँ कि रुपए में 25 पैसे एक्सपेंसिज है 25 से 50 रुपये बाकी जगह जहाँ पे भी अगर अपन जाएंगे यहाँ से डबल चार्जेस अपने को पे करना पड़ेगा। चार्जेस का इश्यू नहीं है लेकिन पेशेंट को जो आराम जो मिलता है जो पेशेंट को जो फीलिंग हो रही है तो इसको यह लग ही नहीं रहा है कि मुझे ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है इस तरह की इसको अपने आप को फीलिंग है। बोल के बता भैया कैसा लग रहा है तेरे को मेरा मतलब एकदम ओके है। ऑपरेशन से पहले क्या परेशान परेशान टेंशन थी दर्द वगैरह भी था और वो पस वगैरह में निकल रही थी इनको और काफी अंदर टेंशन इनको इतना हो गया कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी है कैसा होगा कैसे होगा मैं कैसे रेस्ट करूंगा कैसे फ्रेश होऊंगा कितने दिन लगेंगे ऐसी इनको काफी जो है वो इनको फीलिंग आ रही थी लेकिन अब यहाँ आने के बाद में इनको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे को क्या ऑपरेशन भी हुआ है और अपना नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सुबह